हेलो फ्रेंड्स, द सावंत किचन में आपका फिर स्वागत है। मैं दर्शन सावंत और मैं प्रणीता सावंत आज नवरात्रि के तीसरे दिन पे आपके लिए खास डिश लाए हैं और इस डिश का नाम है मिक्स आटा थाली पीठ। तो चलिए इसे बनाते हैं। मिक्स आटा थाली पीठ बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी साबूदाना आटा, आधी कटोरी सिंघाड़ा आटा, आधी कटोरी समाक चावल का आटा, एक चम्मच राजगीरे का आटा, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, तलने के लिए तेल, जरा सा कसा हुआ अदरक, हरा धनिया, छास हमें इसे भिगोने के लिए लगेगा, स्वाद अनुसार नमक, 2 से 3 हरी मिर्चे और एक छोटा उबला हुआ आलू। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। इसे बेलने के लिए हमें प्लास्टिक की शीट लेंगे। हाथ में या प्लास्टिक के शीट में हम जरा सा तेल लगा लेंगे। अब हम इसके पेड़े बना के इसे बेल लेंगे। हमने ये 4-5 पहले से ही बेल के रखे हैं। अच्छे गोलाकार के लिए हम एक ढक्कन यूज करेंगे और इस तरह से इसे काट लेंगे। अब हम पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे। मिक्स आटा थाली पीठ खाने के लिए रेडी है। इसे गर्मा गर्म खाइए। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए हमारे YouTube पेज पे। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पे दिख रहे इस लाल बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।